mediacorp.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभातखबर.com। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोमवार को पहली बार सूबे में 20 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। रविवार को भी 16 मामले सामने आए थे। इतनी बड़ी संख्या में मरीजों का मिलना सरकार और प्रशासन की होश उड़ा रहा है। सोमवार को मिले 20 मरीजों में से हिंद पीढ़ी से 7 हैं। इसके अलावा कडरू, डोरंडा, कांके, रिम्स से आइसोलेशन वार्ड, रांची रेलवे स्टेशन और सेवा सदन से एक एक मरीज मिला है। बीड़ो और इटकी से 3-3 मरीज मिले हैं। सूबे में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है। ये वाकई चिंताजनक बात है। इनमें से 13 मरीज ठीक हो चुके हैं, 3 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने इसकी पुष्टि की है। इस बीच कुछ सवाल पैदा होते हैं। सवाल कि झारखंड में अचानक से मामलों में बढ़ोतरी कैसे होने लगी। पहले जहां एक दिन में 2 से 3 मामले ही सामने आ रहे थे, वहीं अब एक दिन में 15 से 20 मामले सामने आने लगे हैं। क्या खामियां रही, प्रशासन से चूक हुई या फिर आम लोगों ने ही लापरवाही बरती? इन्हीं कुछ सवालों के साथ प्रभात खबर ने प्रशासन के अधिकारियों से बात की, साथ ही मामले की तह तक जाने के लिए केस स्टडी भी किया। जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले हैं। उपायुक्त राय महिमापत रे ने कहा कि जब संदिग्धों की सूचना हमें मिलती है तो हम उन्हें अस्पताल लाते हैं, सैंपल लेते हैं और अस्पताल में ही उन्हें आइसोलेट किया जाता है। लेकिन कुछ लोग वैसे भी हैं जो खुद अस्पताल जाके सैंपल दे जाते हैं और बिना किसी को बताए घर वापस चले जाते हैं। इस दौरान वे अपने परिवार के साथ रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, सामान्य दिनों की तरह घूमते फिरते रहते हैं। जब इनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तब हमें सूचना मिलती है। ऐसे में हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। आइए कुछ केस स्टडी पर नजर डालते हैं और देखते हैं कैसे लोगों ने लापरवाही बरती। बेड़ो में तबलीगी जमात से शामिल होकर लौटे एक व्यक्ति को रांची के खेलगांव स्थित आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था। 14 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उसे बेड़ो भेज दिया गया। इसी बीच उसका दोबारा सैंपल लिया गया। इधर रिपोर्ट आने से पहले ये आदमी अपने गांव में 2-3 दिनों तक रहा। उसने कुछ लोगों से मुलाकात भी की। जब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तब उसे रिम्स के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरा मामला देवघर का है। देवघर गंभरिया निवासी एक आदमी को देवघर में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। जांच रिपोर्ट आने से पहले ही उसे घर भेज दिया गया। जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नींद खुली। उसे दोबारा घर से आइसोलेशन में लाकर भर्ती किया गया। इससे पहले वो अपने घर जाकर अपने परिवार से मिला। उसके परिजनों को भी अब अस्पताल लाया गया है। तीसरा मामला रांची का है। रांची के कांटा टोली में नेताजी नगर के लैब संचालक के साथ भी स्वास्थ्य पदाधिकारियों ने ऐसा ही किया। दोबारा लॉकडाउन से पहले बहरागोड़ा होते हुए वो शख्स बंगाल में अपने गांव गया। वहां से लौटकर वो शहर में घूमता रहा। मौलाना आजाद कॉलोनी के 2 लोगों का सैंपल लिया। वहीं कोकर स्थित एक दवा दुकान में जाकर वहां भी जांच के लिए कई लोगों का सैंपल लिया। इसी दौरान रिम्स जाकर कोरोना की जांच के लिए खुद का सैंपल भी दे आया। सैंपल लेने के बाद उसे रोका नहीं गया। वो आराम से लैब परिसर में आकर रहा और कई लोगों के संपर्क में आया। बाद में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। इन्हीं लापरवाहियों का नतीजा है कि आज झारखंड में मरीजों की संख्या 100 का आंकड़ा पार कर गई है। अभी भी समय है संभल जाने का, संकट को गंभीरता से समझने का, नहीं तो स्थिति विकराल होते देर नहीं लगेगी। झारखंड में लॉकडाउन को लेकर भी सीएम हेमंत सोरेन ने स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा कि सूबे में केंद्र के निर्देशों के मुताबिक लॉकडाउन जारी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ सभी दुकानें खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन झारखंड में फिलहाल ऐसा नहीं है। यहाँ केवल जरूरी सेवाओं की दुकानें ही खुली रहेंगी। आप भी अपना ख्याल रखिए और दिशा निर्देशों का पालन करिए। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए प्रभातखबर.com के YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।